भारतीय फुटबल कप्तान तथा वर्तमान भारत के फुटबल सम्राट सुनील छेत्री राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। सुनील छेत्री मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। सुनील छेत्री देश के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं। 125 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 80 गोल करने के बाद सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी के बराबर हैं। सुनील छेत्री उन चुनिंदा फुटबॉलरों में से एक हैं जिन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था। छेत्री के माता पिता नेपाली मूल के हैं। सुनील के पिता केबी छेत्री भारतीय सेना में अधिकारी थे, जबकि उनकी माता नेपाल की ओर से महिला फुटबॉल टीम में खेल चुकी है। यह बात तो पक्की है कि उनको फुटबॉल विरासत में मिली है। पिता सेना में होने के कारण उन्हें अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, इस कारण सुनील ने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से की। इनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। देश के स्टार प्लेयर सुनील फुटबॉलर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। वह सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते थे, जिस कारण वह क्रिकेट की किट खरीदने के लिए घर से पैसे चुराया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी मां ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद से ही उन्होंने क्रिकेट का ख्वाब छोड़कर फुटबॉल की तरफ रुख किया। इसके साथ ही छेत्री क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन पाए, लेकिन फुटबॉल के भगवान तो अवश्य ही बन गए हैं। देश में अभी भी क्रिकेट को जो सम्मान मिलता है उतना फुटबॉल को नहीं मिलता। जहां क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, वहीं फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की कमी होती है। कृपया आओ और हमें समर्थन दो, हमें प्रोत्साहित करो, हमारी निंदा करो, हमारी आलोचना करो, लेकिन स्टेडियम में हमें खेलते समय देखने अवश्य आओ। भारत में फुटबॉल की आवश्यकता है। यह बात भारतीय फुटबॉल कप्तान तथा भारत के फुटबॉल के भगवान सुनील छेत्री द्वारा कही गई थी। इस भावनात्मक अपील ने न केवल खिलाड़ी की चिंता को दिखाया बल्कि भारत में फुटबॉल की दुर्दशा को भी अवगत कराया है। महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बराबर गोल का रिकॉर्ड करने की वजह से वे खबरों में दिखाई देने लगे हैं। इस खबर से न सिर्फ सुनील छेत्री ने सुर्खियां बटोरी है बल्कि लोगों द्वारा फुटबॉल के प्रति लगाव होने लगा है। देश में फुटबॉल खेल के दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुनील ने जिस तरह से अपने करियर में उपलब्धियां हासिल की है, इससे साफ पता चलता है कि वह दिन दूर नहीं जब वे दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब अपने नाम करेंगे। देश के युवाओं के लिए सुनील प्रेरणा है।